हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट अना सुल्तान एंड आई वेलकम यू ऑल इन ई न्यूज। सबसे पहले चेक करते हैं आज की हेडलाइन। कराची देखा जाएगा एक नए अंदाज में। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द डिटेल्स। ड्रामा मेकिंग की नई टेक्निक के साथ जल्द ही कराची देखा जाएगा स्क्रीन पे। हम कराची शहर की नहीं बल्कि बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर आगा अली ने। ये प्रोजेक्ट बेस्ड है ट्रू स्टोरी पे, जिसमें नजर आएंगे आगा अली, सिमी पाशा, टीपू अदनान, शरोज सब्जवारी, मदीहा इफ्तिखार, अली सिकंदर और एजाज असलम जैसे ड्रामा इंडस्ट्री के मल्टी टैलेंटेड और प्रोमिनेंट लोग। इस प्रोजेक्ट में ना सिर्फ फिल्म मेकिंग की एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है बल्कि इंटरेस्टिंग स्टंट्स भी देखे जा रहे हैं जिन्हें बहुत ही आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया गया है। यूं तो इस प्रोजेक्ट में नजर आएंगे ड्रामा इंडस्ट्री के फेसेस, लेकिन टॉपिक में फैशन और म्यूजिक इंडस्ट्री को भी टच किया गया है। राशि के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, समझे? मैं म्यूजिशियन ही बनूंगा। ये मेरे छुट्टियां गुजारने के दिन नहीं है बल्कि कुछ करने कुछ बनने के दिन है। आखिर तुम करने क्या जा रहे हो? कल 2 बजे की ट्रेन से कराची जा रहा हूँ। By the way, I'm here. Self-made and independent. तुम मेरे सामने आ गया ना बापू जी, चन्नू मार देने में उन्हें। नेम फेम पैसा शायद हासिल करना इतना आसान नहीं है। पता है क्या, हर स्ट्रगल करने वाले को लगता है कि उसने सबसे ज्यादा सफर किया। पर सर मेरे पास पैसे नहीं। All I have is my music, my talent. ये परफॉर्मर और सिंगर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना पाकिस्तान में कभी हिट नहीं हुआ। अच्छा कुरैशी, हाई फाइव मॉडल बनने आए। What's your name, boy? I'm Asad from Lahore. कभी किसी गलत हाथों में मत चले जाना। बापू की आखिरी पुख्ती भी लेके ताड़ गया वो। Welcome to Karachi, boy. थक गए हो या अभी और बाकी है? प्रोजेक्ट की डिटेल्स ई न्यूज के साथ शेयर करते हुए कराची के एक्टर, राइटर और डायरेक्टर आगा अली ने ई न्यूज को बताया। मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि कराची है क्या, बिकॉज इंटरनेट पे जहां पर भी हमें फेसबुक पे या यूट्यूब के थ्रू हमें जहां पर भी फीडबैक मिला है, पीपल आर आस्किंग दैट इधर इट्स अ फिल्म और इट्स अ प्ले। इट्स एक्चुअली बोथ। कराची एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आज से 1.5 साल पहले हमने कंपाइल किया था इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीन प्ले फॉर अ फिल्म, लेकिन जो फाइनेंसिस थे हमारे, दे डिड नॉट हैव that much money to make a film in the end. So what the idea came up कि हम इसको recompile करते हैं इसके screen play को और हम इसको seasons का form देते हैं, 4 seasons का, to split it into parts. And we really had to work a lot harder because television के लिए appealing बनाना उसको और उसको छोटे डब्बे पर उतारना मुश्किल भी होता है और सम और कुछ जगहों पर आसान भी होता है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज द नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला इट्स गोना बी ऑन टेलीविजन एंड इट्स गोना बी 4 season soap for television, but it's a film soap because it's going to look like film. So it's overall a big project in terms of the production and the work because 2.5 saal lag gaye hame almost. अभी तक पहला सीजन हमने शूट कर लिया है और इंटरनेट पे अभी हमने सिर्फ इसका मेकिंग थोड़ा सा डाला है एंड द फीडबैक इज टेरिफिक। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम जस्ट होपफुल कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ लोग नाराज होंगे हमसे जिनको पॉइंट आउट नहीं किया जाता हमने किया है, पर आई पर्सनली बिलीव कि स्ट्रगलर्स पाकिस्तान के जो हैं उनके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रोजेक्ट लाइक कराची, बिकॉज दुनिया में कहीं पर भी अगर आप बात करो तो बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ के किसी दूसरे शहर में, अपने मुल्क में जाते हैं काम करने के लिए, टू स्ट्रगल, एंड कराची इज अबाउट दैट वेरी पर्सन। कोई भी आदमी जो पाकिस्तान में क्वेटा से या लाहौर से या जम्मू से कहीं से भी वो कराची आता है स्ट्रगल करने के लिए, दूसरों के साथ अपार्टमेंट शेयर करता है, तो ये कहानी उसकी है। एंड देन वी हैव 3 very major पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। वन इज द म्यूजिक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, द अदर इज द फैशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, देन इट्स द टेलीविजन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। Well, that's it for now.
For more updates, keep watching E! News every hour. This is your host, Hina Sultan, signing off. Take care and Allah Hafiz. Don't stop, make it pop, DJ, come on,